कानपुर देहात में दबंगों ने पीड़ित परिवार की मामूली विवाद के चलते जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला गांव मुखलिशपुर के थाना अकबरपुर का है, जहां 10 दिन पहले दबंगों ने विवाद के चलते परिवार की पिटाई की थी, लेकिन अब तक प्रशासन ने दबंगों पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुख्ता कार्रवाई ना होने के चलते दबंग अब भी उन्हें धमका रहे, इसीलिए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी गाड़ी दान सुना था व्यापारी को, तो लेने आया था, तो चटिया छूट गई उनकी, तो इसलिए पापा से हाथापाई हुई। फिर भाई देखा तो भाई दौड़ के गया, तो भाई को मारने पीटने लगे और भाई भाग के आया घर में, और फिर उधर घर पे आए छड़के मारने, और भाई के नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है यहाँ पे लग गई। तो बच्चे के साथ ये जो पक्षी पार्टी है मारपीट की, घर में घुस के ना मारा पीटा, हम लोग थे नहीं मौके पे, जल्दी से जल्दी पकड़ की जाए। ये हथियार किस्म के लोग हैं, पता नहीं कब किस हाल में बच्चों को क्या कर दे। झगड़ा हो गया तो उसमें किसी चीज़ से मार कर दिया, मैं बेहोश मतलब बेहोश की स्थिति में आ गया था, मुँह से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड आ गया, चोट की तरफ एंटी फ्रैक्चर हो गई।